शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। बिहार में चलती राजनीतिक सरगर्मी के बीच 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा होने वाली है, जहां नीतीश कुमार को विश्वास मत हासिल करना होगा। वहीं फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार के मंत्री ने बिना तेजस्वी यादव का नाम लिए कहा है कि जो लोग खेला होगा की बात कह रहे हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि खेला करने में हम लोग भी सक्षम हैं। एनडीए सरकार के मंत्री के रूप में सुमित कुमार सिंह ने सोमवार को विज्ञान तकनीकी शिक्षा एवं प्राविधिक विभाग के कार्यभार को संभाला है। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मौजूदा सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त है और सब कुछ ठीक ठाक है। बिना तेजस्वी प्रसाद का नाम लिए उन्होंने कहा है कि जो लोग खेला होगा की बात कह रहे हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि खेला करने में हम लोग भी सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास से समझौता नहीं किया जाएगा। सुमित कुमार सिंह ने आगे कहा कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है, खुद का मंत्रालय नहीं बदले जाने पर उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है और जिस विभाग को वो संभाल रहे हैं उनके काम को देखते हुए उन्हें तीसरी बार उसका प्रभार दिया गया है। राज्य के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में अपनी अहम भूमिका अदा करने के लिए वो तैयारी में है। उन्होंने आगे कहा कि विभाग द्वारा किए गए सारे कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, विभाग द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसकी समीक्षा जल्द ही की जाएगी। यदि उसमें कोई त्रुटि होगी या कोई कमी होगी तो उसे दूर किया जाएगा। विभाग ने सचिव लोकेश कुमार सिंह के समेत कई अन्य अधिकारियों ने, कई मंत्रियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया। ऐसे में एनडीए गठबंधन में टूट की खबरें उससे किनारा करते हुए कई मंत्री नजर आ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।